गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल कुकिंग। आज हम बनाएंगे हरे लहसुन और हरे मिर्च का अचार। देखिए, ये हमारा हरा लहसुन है। इसके हम ऊपरी भाग को हम काट देंगे और हम इस्तेमाल करेंगे डंठल और पत्तों वाला भाग। सबसे पहले इसको हम धो लेंगे और धोकर एक घंटे के लिए धूप में रख दें। अगर धूप में नहीं रखना है तो हम इसको धोकर और किसी कॉटन कपड़े में डालकर और इस तरह से सुखा लेंगे। इसके हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। देखिए, हमने लहसुन और हरे मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। इसके साथ हमको चाहिए कुछ मसाले, जैसे ये हमारा है मंगरेल, अजवाइन, हल्दी। एक कप हमने नाप कर सरसों का तेल लिया है और एक बड़े नींबू का रस, काला नमक और सफ़ेद नमक। सबसे पहले हम एक सूखा बर्तन लेंगे। याद रहे, जब भी हम इस्तेमाल करें तो सूखे बर्तनों का इस्तेमाल करें। तो हमने लिया है एक सूखा बर्तन और इसमें हम डाल देंगे अपने कटे हुए लहसुन को। फिर हम ऐड करेंगे अपने हरे मिर्च। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अदरक को स्किप कर दिया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें हम डालेंगे हमारे मसाले, मंगरेल, अजवाइन और हल्दी, बहुत थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे। और हम डालेंगे इसमें नमक और हम एक बड़े नींबू का रस डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काला नमक और हम डालेंगे इसमें तेल एक कप और हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, अभी अच्छी तरह से मिल चुका है। तो अब हम इसको डालेंगे जार। देखिए, हमने एक सूखा कांच का जार लिया है। अब हम इसमें अचार को डाल देंगे। कभी भी आप सूखे जार का इस्तेमाल करें, या तो आप स्टील या फिर कांच के जार का इस्तेमाल करें। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम ऊपर से थोड़ा सा तेल और मिला देंगे। अब हम ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर देंगे और इसको हम 2 दिन के लिए धूप में रख देंगे। 2 दिन के बाद इसको बनाइए, खाइए। और अगर आपको अच्छी लगी रेसिपी तो हमें शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।